जी बोले, कंस सुन के वो फूल तोड़े वे जानाई पकल के गाल में जाना है। करी नहीं लगती दोनों का मारा जाना है। और सुनो, देख भी गिनती हिम्मत है जो गोता बाह लगाता है। त्यागी ऐसा जो अपने प्राण गंवाता है। उत्तर दिया, फूल तोड़ने जाएंगे तो काली अन्ना के जहर से दोनों मारे जाएंगे, मारने नहीं पड़ेंगे, खुद ही मर जाएंगे। और फूल न भिजवाए जाए तो इसी बात के पीछे तुम वृंदावन के लोगों को पकड़ के मथुरा की जेल में डाल देना और जब इच्छा तब निकाल के मार देना। कौन सी भावई है, कौन कैसी रही। कंस गद्दी से उछल पड़ा, बाबा आज तुमने मन की बात कही है, अगर जब बात तुम हमें पहले बताते तो हमारी चिंता कब की मिट गई होती। नारद कब आ गई। हंसने लगे नारद जी, बोले कंस हम तो देर रात ये प्रार्थना में लगे रहते, तुम्हारी चिंताएं जल्दी मिटे, लेकिन क्या करें देर हो रही है। उठे और चले गए। और इधर कंस जो है वो वृंदावन में खबर भेज देता है। वृंदावन के बसने वाले बाबा नंद, हमें कमल के फूलों की आवश्यकता आ गई, कमल के फूल मंगवा, अगर ना भिजवा रहे हो तो हम सब यादवों को पकड़ेंगे, मथुरा की जेल में डाल देंगे। अब वो खत जो है वो नंद के घर भेज दिया। भक्तों, जब नंद बाबा को खबर मिली है तो नंद बाबा आंगन में बैठ के रोने लगे, सोचने लगे परमात्मा कंस पीछे ही पड़ के रह गया है, गोकुल छोड़े आए, वृंदावन बस गए, लेकिन कंस ने पीछा नहीं छोड़ा। मौत दोनों ही तरफ, एक तरफ कुआ है तो दूसरी तरफ खाई है। फूल लेने कोई जाता है तो भी मरता है, और नहीं जाता है तो जेल बता रहा है। अब इस बात की चिंता में इन नंद के घर में भोजन ही नहीं बना, सब लोग उदास बैठे हैं। यशोदा मैया आंगन में बैठी बैठी रो रही है। तब तक श्याम सुंदर खेलते हुए घर के अंदर घुस गए। बोले मैया भूख लगी है, कुछ हो तो हमें दे दे। तो यशोदा ने वो माखन मिश्री आगे बढ़ाई, बोले खा ले लाला, अब पता नहीं इस माखन मिश्री से कल भेंट हो या ना हो। और ये कह करके रोने लगी। और जो मैया को रोता हुआ देखा, कन्हैया को क्रोध आ गया, मैया रो रही है, क्यों रोई। मैं हर चीज सहन कर सकता हूं, लेकिन तेरी आंखों के आंसू कभी सहन नहीं कर सकता मां। कौन है वो भक्त जिसने तेरी बूढ़ी आंखों में आंसू छलकवाए मैया, और कौन है वो मां जिसने उस पहलवान को जन्म दे के स्याना किया। एक बार उसका नाम बता दे मां, हम उसे जिंदा ही नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि तुझे एक बात नहीं पता कि हम में भैया में कितनी ताकत है। एक बार उसका नाम बता भैया, हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और कहते हैं और जानी कछ जीव हर चलाई हो बाकी जीव की पकड़ी काटी डाल। बोलो, अरे मन की बात बोलो मां, कौन है वो कमीना जिसने तुझे रुलाने की कोशिश की है भैया, कौन है वो मां जिसने उस पहलवान को जन्म दिया है। तुझे नहीं पता हम में भैया में कितनी ताकत है। और बोले
उसका नाम बता दे मैया हम उसे जिंदा ही नहीं छोड़ेंगे। एक बार उसका नाम तू बता के देख हम दुनिया से ऐसे उठा देंगे जैसे वो कभी आया ही ना हो। तो यशोदा पूरी बात बताती है, लाला खबर आई है मथुरा से, फूल मंगवा रहा है कंस, अगर फूल लेने जाते तो